एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक मास्टर। तो मेरा नाम है तस्कीन फातिमा। तो चलिए पोहा की रेसिपी शेयर करते हैं, जो कि हम भी सब पहली बार ट्राई कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कैसा लगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पोहा रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लिए हैं और एक छन्नी लिए हैं। उस पर ये देखिए पोहा हम डाल रहे हैं, यानी हम लोग चूड़ा भी इसको बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पर पानी इस तरह से ऊपर से डालते हैं, इसका सारा पोहा भीग जाए, मतलब इसको बाउल में डाल के धोना नहीं है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, हम छन्नी पानी को फेंक दिए और छन्नी को इसके ऊपर रख दिए। फिर एक कढ़ाई लेते हैं, गैस ऑन करते हैं, उस पर 2-3 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लेते हैं। आप रिफाइन तेल भी डाल सकते हो, सरसों तेल भी डाल सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी। हम यहाँ पे सरसों तेल लिए हैं। सबसे पहले 2 सूखी मिर्ची डालें और 1/2 चम्मच जीरा डालें, 1/2 चम्मच से कम सरसों गोटा सरसों डालें और कुछ कड़ी पत्ता धोकर डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ मूंगफली डालें, यानी बादाम हम लोग बोल रहे हैं इसको, और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। और इस पर एक बड़ा प्याज कट करके डालें, इसको भी फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम 1/2 चम्मच से कम हल्दी डालें और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालें और 1/2 चम्मच नमक डालें। अपने टेस्ट के हिसाब से आपको कितना नमक डालना है आप डालिएगा। और कुछ हरी मिर्ची कट करके डाले, हम 2 डाले हैं, आपको तीखा चाहिए तो और ज़्यादा या और कम कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स, बड़े आसानी से, बड़े प्यार से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पोहा डाल रहे हैं जो हम धोकर रखे थे, मतलब पानी डालकर। कुछ इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से पानी डालने से ऊपर से ये खिला खिला बनेगा, वरना अगर धोएंगे तो थोड़ा नरम हो जाएगा पोहा, इसलिए हम ऊपर से पानी डालते हैं। आप भी ज़रूर इस तरह से फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी पोहा बनेगा। आपको अगर कुछ बनाने का मन ना हो तो 5 से 10 मिनट के अंदर इस तरह से रेसिपी बनाकर आप अपने ब्रेकफास्ट कर लीजिए और अपने फैमिली को खिलाइए। आप लोग फ्रेंड्स देखते हो, फटाफट लाइक कीजिए अगर पसंद आती है रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम 1/2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा सा मीठा खट्टा तीखा करने के लिए थोड़ा सा चीनी भी डालकर आप देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा आपका पोहा। तो ज़रूर से आप डालिएगा, अगर आप नहीं चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं चीनी। अब देखिए, हम गैस ऑफ़ किए और कुछ धनिया पत्ता ऊपर से डालते हैं और 1/2 नींबू का रस डालते हैं। बस तैयार है पोहा, सर्व कीजिए। ये देखिए हम सर्व किए हैं। फ्रेंड्स, जाते जाते अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। थोड़ा सा तीखा है, थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा मीठा है, क्योंकि हम लेमन जूस भी डाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये पोहा की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर से बताइएगा, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल टाइम के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इस तरह का टेस्टी टेस्टी रेसिपी मैं लाती रहूँगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तब आपसे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।
बाय बाय।